नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एनसी कुसुमनेट क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन 2022 के बारे में। तो आज जो वैकेंसी निकल कर के आई है उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो आप उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट को सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लेंगे। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे ही डालेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आएगा ऊपर में, आपको उस पर चले जाना है, पीएचडी प्रोग्राम लखनऊ यूनिवर्सिटी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे देन आपके सामने ऊपर में खुल कर आएगा एडमिशन 2022-23। आप क्रशर को देख सकते हो, इस पर आप क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुल कर के आएगा। देन इसमें आप सबसे नीचे आ जाइएगा। सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर मेंशन है पीएचडी प्रोग्राम्स एडमिशन सेशन 2021-22, यानी 21-22 सेशन का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ था। यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग, तो यानी कि 12 जुलाई से यहाँ पर फॉर्म भरने की शुरुआत होगी और आप फॉर्म को भर सकते हो। लास्ट डेट की यदि बात करें तो 16 अगस्त 2022 तक भर सकते हैं। यहाँ पर फी दिया हुआ ऊपर में ही, जनरल एंड ओबीसी को 2000 रुपये लगेंगे और एससी एसटी या फिर पीएच या फिर कोई और कैटेगरी है देन आपको 1000 रुपया लगेगा। यहाँ से जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन है, यहाँ से आप जाकर के फॉर्म ले सकते हो। अदरवाइज वापस आप यहाँ से जाकर के व्यू मोर डिटेल्स पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से फिर खुल कर के आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। आधार नंबर चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट, ये स्टेप 1, 2, 3, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ से एक बार पढ़कर नीचे आई एग्री कर करके फिर आप रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल पे कर सकते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं व्यू मोर डिटेल्स पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का नोटिफिकेशन खुल करके आएगा। अब यहाँ से आपको देखना है रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो कि अभी हमने देखा, वैकेंट सीट्स ऑफ पीएचडी एंड पार्ट टाइम सेशन 2021-22। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी। तो जैसा कि अभी हम लोग पीछे में डिस्कस किए थे कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर के इनकम वगैरह तमाम सारी चीज़ों के बारे में। अब इसमें यदि हम लोग वैकेंट सीट्स की बात कर लें कि यहाँ पर टोटल सीटें कितनी खाली है, तब आप यहाँ पर आ कर के देख सकते हो क्या है सीटों की संख्या। एक बार हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। आर्ट्स फैकल्टी में बात करें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की, तब यहाँ पर रेगुलर पीएचडी में 17 सीट है और पार्ट टाइम पीएचडी में सीट नहीं है। देखिए, दो तरीके से पीएचडी का सीट्स का बंटवारा किया गया है, वन इज रेगुलर मोड एंड वन इज इन पार्ट टाइम मोड। तो आपको देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से आप किस मोड में करना चाहते हैं, और यदि उसमें उस सब्जेक्ट में उस पार्ट टाइम में या रेगुलर टाइम में यदि सीट्स है देन आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस स्टडीज में 1 है, उसके बाद आप देख सकते हो पार्ट टाइम में 0 है, सबसे लास्ट वाला पार्ट टाइम है, शुरू वाला रेगुलर है। इकोनॉमिक्स में 33 है जो कि बहुत सीट है। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 103 सीट्स हैं और पार्ट टाइम में 7 हैं। फ्रेंच में 1 है, ज्योग्राफी में 19 है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पर 74 सीट्स हैं। उसके बाद होम साइंस में 14 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 है, लिंग्विस्टिक में 2 है, एंड मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर 49 सीट्स हैं। देन आप आए ओरिएंटल संस्कृत में, तो यहाँ पर ओरिएंटल संस्कृत में 3 है, पर्शियन में 4 है, फिलॉसफी में यहाँ पर 10 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 55 है, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 46 है, साइकोलॉजी में यहाँ पर 10 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 है, संस्कृत में 48 है, सोशल वर्क में बात करें तो 8 है, सोशियोलॉजी में 71 है 71 और उर्दू में बात करें तो उर्दू में 14 है यानी 14, वेस्टर्न हिस्ट्री में यहाँ पर 25 है, स्टैटिस्टिक्स में 15 है, मैथमेटिक्स में 8 है, एंथ्रोपोलॉजी में 13 है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 25 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20 है, कॉमर्स में 64 है, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा सीट अभी तक जो 158 है, और लॉ में 57 है, ये भी बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। देन बायोकेमिस्ट्री में 5 है। आप पार्ट टाइम वाले देखते जाना क्योंकि मैं रेगुलर के बारे में सीट के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद साइंस की बात करें देन केमिस्ट्री में 52 है, जियोलॉजी में 7 है, एंड फिजिक्स में 98 है, देन बोटनी में 16 है,
एंड जूलॉजी में 89 है। तो टोटल सीटों की संख्या 1246 है और 46 सीटें पार्ट टाइम है। यहाँ पे लिखा हुआ नोट, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ सीट्स इन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। तो ये कह रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है कि इस सीटों की संख्या में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी का काम वो कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको और इस विस्तार में जाना है तब आप यहाँ पे एडमिशन ब्राउजर पे भी क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मिनिमम 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन यदि आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, या फिर अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स हैं एज पर द डिसीजन ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, देन आपको 5% नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम 50% मार्क्स का होना ज़रूरी होगा। देन यदि आपने एम फिल कर रखा है तो एम फिल में भी सेम क्राइटेरिया, सेम परसेंटेज का रूल जो है लागू होगा। ड्यूरेशन की बात कर लें तब आप यहाँ पे देख सकते हो पीएचडी फुल टाइम मोड में करेंगे आप तो मिनिमम 3 साल लगेंगे, मैक्सिमम 6 साल लगेगा आपको एडमिशन के दिन से। एक्सटेंशन बियॉन्ड द एबव लिमिट्स विल बी गवर्न बाय द रेलेवेंट क्लाउजेज। तो ये एक्सटेंशन भी मिल सकता है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 के हिसाब से एडमिशन होगा। रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर सभी को देना होगा। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आरईटी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो आरईटी होगा उसमें मिनिमम आपके एग्जाम में, यानी कि आप जब उसका एग्जाम दोगे तो 50% नंबर लाना होगा और 5% नंबर का यहाँ पर रिलैक्सेशन। यदि आप ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं देन मिनिमम 45% लाना होगा। सिलेबस क्या होगा, 50% नंबर जो क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे एंड 50% क्वेश्चंस होंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करने जा रहे हैं उसमें। और सिलेबस आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पीजी प्रोग्राम का सिलेबस है उसी के हिसाब से होगा। आप वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द आरईटी विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ हैव टू अटेंड द इंटरव्यू। अब आरईटी पास कर गया इसका मतलब है नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए अपियर होना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द आरईटी एंड अपियर इन द इंटरव्यू विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल मेरिट, यानी कि दोनों आपको करना होगा तभी आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इन द फाइनल मेरिट कैंडिडेट्स वुड बी गिवन अ 70% वेटेज ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% ऑफ द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यानी आप एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से करो और इंटरव्यू की भी तैयारी करना है, ध्यान रहे। इफ टू और मोर कैंडिडेट्स हैड सिक्योर्ड इक्वल मार्क्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट देन द रैंक फॉर एडमिशन विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। फिर पीजी का नंबर देखा जाएगा, पीजी में कितना किसका परसेंटेज रहा है इस हिसाब से। पार्ट टाइम प्रोग्राम पीएचडी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एनओसी लगाना होगा, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको एनओसी लिखकर यहाँ पे लगाना होगा। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर शैल स्टे एट द प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 डेज पर सेमेस्टर। रेसिडेंसी पीरियड 6 डेज पर सेमेस्टर, ये 6 मंथ्स होना चाहिए। ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ रिसर्च वर्क एंड शैल गिव एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सॉरी, ये चूंकि पार्ट टाइम में बात हो रही तो 6 दिन की बात हो रही। एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोसीजर ये था यहाँ पर एडमिशन लेने का, ठीक है। यहाँ पर नेट जा रहे वालों का क्या होगा ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आखिर जिनके पास नेट जेआरएफ है क्या उन्हें भी टेस्ट देना होगा। तो चूंकि नहीं स्पेशली बताया गया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सभी लोगों को टेस्ट देना ही होगा, ठीक है। एक बार और हम लोग ऊपर में देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर्स, ये तमाम सारी चीज़ें आप देख रहे हो। और नीचे जब आएंगे तब यहाँ पर वो सेम बातें बताई गई हैं, ठीक है। एम फिल डिग्री फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है, देन यहाँ पर उन्हें भी शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, उन्हें भी यहाँ पर टेस्ट ही देना होगा।
इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू गो थ्रू द एडमिशन गाइडलाइंस एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी PhD ऑर्डिनेंस 2020। ये आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का PhD का 2020 का ऑर्डिनेंस है, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो आप यहाँ पर जो जितने भी चीज़ें दी गई थी, लगभग हम लोगों ने तमाम सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।